नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। छब्बीस अक्टूबर को हिंदुस्तान की केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर में नए लैंड लॉज नोटिफाई किए हैं। इस गेजेट नोटिफिकेशन के बाद देश का कोई भी नागरिक यहां जमीन खरीद सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी ये नोटिफिकेशन का ऑफिशियल नाम है द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन विद इन ब्रैकेट्स एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज फिफ्थ ऑर्डर 2020। इट केम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। अगस्त 2019 में जो लीगल चेंजेस जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में किए गए थे उनका ये नोटिफिकेशन ऑपरेशनल एस्पेक्ट है। After repealing the articles 370 and 35A, this was but the logical culmination, something that was bound to happen sooner or later. Notification ke baad, koi domicile ya fir permanent resident certificate ki zarurat nahi hai union territory mein non-agricultural zameen khareedne ke liye. इसके पहले भारतीय संविधान के आर्टिकल 35A के अंतर्गत देयर वेर प्रोहिबिशंस ऑन द सेल ऑफ लैंड ऑफ दोज हु वर नॉट स्टेट सब्जेक्ट्स, बट एन एंटायर न्यू चैप्टर हैज बीन एडेड टू द जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट। दिस न्यू चैप्टर इज कॉल्ड 10A एंड इट सेज नॉटविथस्टैंडिंग anything contained in any other law, the government may, through a notification in the official gazette, formulate procedures and conditions for leasing in or leasing out of agricultural land for agriculture and allied activities. Iska matlab, Jammu and Kashmir mein farming sector mein ab outsiders shayad कॉर्पोरेट एंटिटीज भी आराम से एंट्री कर सकते हैं। अक्टूबर 26 के गेजेट ऑर्डर के बाद सरकार अगर चाहे तो किसी भी एरिया को स्ट्रेटेजिक घोषित कर सकती है। एन आर्मी ऑफिसर ऑफ और अबव द रैंक ऑफ कोर कमांडर कैन डिक्लेयर एनी पीस ऑफ लैंड एज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस and acquire it. लगभग दो वर्षों से जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जम्मू और कश्मीर के स्टेटस में चेंजेस जो पिछले साल हुए और उसके बाद से नोटिफिकेशंस द्वारा जारी होते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने स्टीम रोल किए हैं। जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई रिप्रेजेंटेशन इन किसी भी फैसले में नहीं रहा। 26 अक्टूबर का गेजेट नोटिफिकेशन ने 12 स्टेट लॉज को पूरी तरह से रिवोक कर दिया है। 26 ऐसे और हैं जिनमें अहम संशोधन या फिर मॉडिफिकेशंस या एडिशंस किए गए हैं। द लॉज विच हैव बीन कंप्लीटली रिवोक्ड इंक्लूड द जम्मू एंड कश्मीर एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर बिग Landed Estates Abolition Act, the Jammu and Kashmir Common Lands Regulation Act of 1956 and Jammu and Kashmir Consolidation of Holdings Act of 1962. The laws which were revoked by this gazette notification also includes the Jammu and Kashmir Right of Prior Purchase Act and the Jammu and Kashmir Utilization of Lands Act. Among these, the most important and historic is, of course, the Big Land Estate Abolition Act of 1950. ये वही कानून है जिसके अंतर्गत
भूतपूर्व जम्मू कश्मीर में रेडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ था. दिस वॉज द सेम लॉ विच पेव द वे फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड एंडेड लैंडलॉर्डिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर. इस कानून के अंतर्गत लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द 1950s वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रेडिकल इन एनी नॉन कम्युनिस्ट स्टेट. न्यू इंडिया की तो बात अब हो रही है, ऐसे समझ में नहीं आता कि इसमें नया क्या है. इन कॉन्ट्रास्ट 1950 के लैंड रिफॉर्म्स शेख अब्दुल्ला का नया कश्मीर के सपने का हिस्सा था. द बिग लैंड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट के अंतर्गत 22.75 एकर्स के ऊपर की लैंड सीलिंग थी. अगर इससे ज्यादा किसी के पास जमीन होती तब ऑटोमेटिकली भूमिहीन किसान को ट्रांसफर हो जाता था. अकॉर्डिंग टू स्टडीज बाय 1952 ऑलमोस्ट 8 लाख लैंडलेस पेजेंट्स वर कॉन्फर्ड विद प्रोप्राइटरी टाइटल्स. दीज इंक्लूडेड 2.5 लाख हिंदूज ऑफ लोअर कास्ट फ्रॉम द जम्मू रीजन. एग्रेरियन रिफॉर्म्स कंटिन्यूड बीइंग पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल कल्चर थ्रू आउट द 1950s एंड 1960s इवन दो डेमोक्रेसी वॉज सिवियरली अंडरमाइंड इन द स्टेट इन दिस पीरियड. एक अनुमान के अनुसार 1970 तक हिंदुस्तान में लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट की गई थी. उसमें से 4.5 लाख एकड़ यानी कि लगभग 50% जम्मू कश्मीर में थी. इससे आपको वहां की सरकार का, वहां की पॉलिटिकल कल्चर का, लैंड रिफॉर्म्स के प्रति कमिटमेंट समझ में आएगा. भारत सरकार के साथ समझौता के बाद जब शेख अब्दुल्ला फिर मुख्यमंत्री बने फरवरी 1975 में, तब उन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1976 को इनैक्ट किया. इट इज आयरोनिकल दैट द पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ कश्मीर वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी ओनली इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. देयर आफ्टर एस्पेशली फ्रॉम द 1930s the movement came under the leftist influence. Trade unionism reared its head in 1937 with the formation of the Mazdoor Sabha. Other organizations also followed soon. These included Kashmir Motor Drivers Association, Carpet Weavers Association, and Tonga Drivers Association, and so on. मजदूर और किसानों के मोबिलाइजेशन की वजह से कश्मीर का पॉलिटिकल वोकैबुलरी में बदलाव आया. लाल झंडे आम श्रीनगर में दिखाई देते थे इन द 1930s ऑनवर्ड्स. जनता के पॉलिटिकल सेंटीमेंट को देखते हुए शेख अब्दुल्ला ने भी अपनी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया. कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट ग्रुप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से उसके पॉलिसीज को लगातार इन्फ्लुएंस करते थे. इस कम्युनिस्ट ग्रुप के पर्सुएशन पर शेख अब्दुल्ला ने नया कश्मीर नाम का एक मेमोरेंडम महाराजा हरिजय सिंह को अर्ली 1940s में सबमिट किया. द न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो हेल्ड द आउटलाइन of conversion of Kashmir from an absolute monarchy to a constitutional democracy, with the Maharaja remaining as the head of the state, quite like the British monarch. Land reforms and empowerment of the working class and the peasantry were major parts of the dream of this future under the umbrella of Naya Kashmir. Azadi ke baad and after the accession टू इंडिया शेख अब्दुल्ला की सरकार ने नया कश्मीर मैनिफेस्टो के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पर ज्यादा फोकस किया. लैंड रिफॉर्म्स इनमें से प्रमुख थे. तीन फेजेस में
ये रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अप्रैल 1948 में पहले फेज में ऑल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द जागीरदार्स, मुआफिदार्स एंड मुकरीज वर अबॉलिश्ड। दूसरे फेज में जिसका स्वरूप अक्टूबर 1948 में दिखा, स्टेट टेनेंसी एक्ट ऑफ 1924 को अमेंड किया गया। इट इज नेसेसरी टू मेंशन हियर दैट प्रायर टू 1933 पेजेंट्स ऑफ कश्मीर हैड नो लैंड ओनरशिप राइट्स। कश्मीर के मुसलमानों के पास एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स भी नहीं होते थे। पंजाबी हिंदूज ने कश्मीर के लोकल लोगों से बड़े पैमाने पर जमीन खरीदनी शुरू कर दी एज दे बिकेम मोर इकोनॉमिकली एफ्लुएंट। फीलिंग अलार्म्ड एंड थ्रेटन्ड बाय द इंट्रूजन ऑफ पीपल हु वर फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, द कश्मीरी पंडित्स प्रोटेस्टेड टू द महाराजा। विरोध 1889 में शुरू हुआ। उसके बाद जो ज्यादा लिटरेट कश्मीरी पंडित थे उन्होंने इस मूवमेंट को 1910, 1922 और 1925 में रिवाइव किया। आंदोलन का मुख्य स्लोगन होता था कश्मीर फॉर द कश्मीरीज। इट्स कैरेक्टर वॉज चीफली एंटी पंजाबी हिंदू। इट स्ट्रेस्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट जॉब्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द लोकल पीपल। Sensing people's resentment, the viceroy of the representative of the British crown asked the Maharaja to ensure that the native population was given preference for jobs. In order, एक order जारी किया, लेकिन ये imperfect और बहुत hasty था। कोई भी अपने आप को मुल्की या फिर native घोषित करवा सकता था। सर्टिफिकेट इजीली इशू हो जाता था। नॉन नेटिव्स को नौकरियां मिलती रही। इसके कॉन्सिक्वेंस में आंदोलन जोर पकड़ता रहा। 1912 में महाराजा पास्ट एन ऑर्डर डिफाइनिंग द स्टेट सब्जेक्ट्स। इजाजतनामा बिकेम मैंडेटरी फॉर रिकॉग्निशन एज स्टेट सब्जेक्ट्स। परंतु इस ऑर्डर में भी लूपहोल्स थे और इसका मिसयूज होता रहा। कश्मीरी पंडितों का आंदोलन ने जोर पकड़ा। कश्मीर के मुसलमानों ने सपोर्ट किया इवन दो दे वर नॉट क्लेमेंट फॉर जॉब्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन अमंग्स देम। कश्मीरी मुसलमानों ने अपने बुनियादी हकों के लिए या फिर बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन आयरॉनिकली कश्मीरी पंडितों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। कहा कि कश्मीरी मुसलमानों के डिमांड्स और एजिटेशन कम्युनल पर्सपेक्टिव से ड्रिवन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला ने अपने प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव कश्मीर के विजन को कभी अबैंडन नहीं किया। इसी प्रॉमिस से उन्होंने एक्सेशन के बाद गद्दी संभाली। शेख अब्दुल्लाज थर्ड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स was the enactment of Big Landed Estates Act of 1950. Within 3 years, the results were there for all to see. 17th July 1953 को Hindustan Times के एक report में ये लिखा था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। By the end of 12th April 1953, mutations of almost 1.92 lakh acres of land had been attested in favor of 1.1 lakh tillers benefiting 5.88 lakh persons. In addition, 93.5 thousand acres of land had come to be vested in the state by the end of March 1953. जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के लैंड रिफॉर्म्स के बीच में एक प्राइमरी डिफरेंस था। जम्मू कश्मीर में सरप्लस लैंड सीज करने के बाद कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता था। दूसरे स्टेट्स में तो ये आम प्रथा थी। किसानों को भी
जमीन अलॉट करवाने में कुछ देना नहीं पड़ता था. There is little doubt that the National Conference opted for the Indian form of democracy with the assurances under the Article 370 of the Indian Constitution to prevent implementation of bourgeois democratic reforms and land reforms to be restricted like it was in the rest of India. Sheikh Abdullah made it very clear in his speech in the Jammu and Kashmir Constituent Assembly that land reform was the principal reason behind negotiating for an autonomous political space as a state within the Indian Union. Sheikh Abdullah remarked that while he was successful in securing the land to the tiller legislation in India, he was not at all sure if this would have at all been possible in a landlord-ridden and controlled Pakistan. केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लिए गैजेट तो जारी कर दिया है, लेकिन ऐसे कई राज्य अभी भी हैं जहां पे लैंड राइट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं. हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम्स में लैंड रेगुलेशंस मौजूद हैं. अरुणाचल प्रदेश और झारखंड जैसे स्टेट्स फिफ्थ शेड्यूल के अधीन आते हैं. लद्दाख को भी सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत सोशल स्टेटस देने की बात हो रही है. कश्मीर के युवा वकील बसित अमीन मखदूमी ने 1846 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर को याद किया है, उस पर सबका ध्यान खींचा है. इसके अंतर्गत महाराजा गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर को मात्र 75 लाख नानक शाही रुपयों में खरीदा था. इस ट्रीटी को सेल डीड ऑफ कश्मीर के नाम पे याद किया जाता है. सवाल अब ये उठता है, क्या इतिहास आगे चलकर इस गैजेट नोटिफिकेशन को, 26 अक्टूबर वाली गैजेट नोटिफिकेशन को कश्मीर की सेकंड सेल डीड के नाम पर याद करेगी? आप लोग तो पब्लिक हैं और पब्लिक तो सब जानती है. इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत धन्यवाद. हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को और न्यूज़ क्लिक के तमाम प्रोग्राम्स को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करिए. नमस्कार.